Hello everyone, let's start the second part of the test, part B of RPSC AEN test series, test number 7. Okay, this part mein 12 questions the, each of the questions were of 5 marks. So let's start with the question number 21. Draw the following relations between the traffic speed, traffic density or traffic flow ke relations aapko plot karne hain. Theek hai, to hum basically pehle conditions yahan par dekh lete hain. Kuch conditions aapko hamesha pata honi chahiye. Theek hai, ek to hai free flow speed ke bare mein aap dhyan rakhiye ki free flow speed ka kya matlab hota hai, what is the meaning of free flow speed. Dekho, do conditions hai, extreme conditions. Agar road par koi bhi vehicle nahi ho, तो कोई अगर टेस्टिंग व्हीकल आएगा तो डेफिनेटली वो अपनी फ्री स्पीड से जा सकता है, तो उसी समय जो स्पीड होगी उसको फ्री फ्लो स्पीड कहते हैं. एंड आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे यूएसएफ से. ठीक है, द वेलोसिटी, ठीक है, इन द फ्री कंडीशन व्हेन देयर इज नो फ्लो एट ऑल देन इट विल बी कॉल्ड द फ्री फ्लो स्पीड. ठीक है, और जब वहां पर एक भी व्हीकल नहीं था तो बेसिकली व्हाट इज द फ्लो, जो फ्लो का अमाउंट होगा, जो ट्रैफिक फ्लो होगा वो जीरो होगा बिकॉज देयर इज नो व्हीकल. और साथ ही साथ में ट्रैफिक डेंसिटी की अगर आप बात करें तो ट्रैफिक डेंसिटी मतलब एक किलोमीटर की के लेंथ में कितने व्हीकल्स हैं, तो वो भी कितना होगा, जीरो होगा. ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशन हमने देखी कि जब रोड बिल्कुल खाली है उस समय पर अगर कोई टेस्टिंग व्हीकल जाएगा तो फ्री फ्लो स्पीड यानी कि मैक्सिमम स्पीड से वो ट्रैवल कर पाएगा, और उस समय पर फ्लो जीरो है क्योंकि वो एकमात्र व्हीकल था, उसके अलावा कोई व्हीकल वहां पर नहीं है, और साथ ही साथ में ट्रैफिक डेंसिटी भी जो होगा वो जीरो के बराबर होगा. ठीक है, और साथ ही साथ में एक दूसरी कंडीशन देखें, पहली कंडीशन फ्री फ्लो स्पीड देखा, सेकंड इफ वी सी द सेकंड कंडीशन इज जैम कंडीशन. ठीक है, तो अगर जैम जब लगा होगा, जब जाम लगा होगा, तो उस टाइम पर जब जाम लगा होगा उस टाइम पर सारे के सारे व्हीकल रुके हुए हैं, तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो होगा, और साथ ही साथ यदि आप बात करें जो फ्लो होगा, फ्लो का मतलब है कि कितने व्हीकल्स पर यूनिट टाइम में वहां पर मोशन में है, तो फ्लो भी वहां पर जीरो होगा. और जब जैम लगा होगा तो उस टाइम पर जो वहां पर डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, तो जैम के समय जो डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स वहां पर होंगे, और उस डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे केजेस से. ठीक है, तो आगे चलते हैं, रिलेशनशिप यहां पर प्लॉट करते हैं. तो रिलेशनशिप आपको प्लॉट करना है ट्रैफिक डेंसिटी का. ठीक है, तो ट्रैफिक डेंसिटी का ट्रैफिक स्पीड के साथ अगर आप रिलेशन प्लॉट करें, लेट सपोज वी आर टेकिंग हियर द ट्रैफिक डेंसिटी के एंड वी आर टेकिंग द स्पीड ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो क्या रिलेशन देखा था आपने, जब स्पीड जीरो है तो स्पीड जीरो कब होती है, जब जाम लगा होता है, तो पॉइंट यहां पर आएगा, और स्पीड जब फ्री फ्लो स्पीड है उस समय डेंसिटी कितनी है, जीरो के बराबर है, और IRC के हिसाब से ये रिलेशन को लीनियर लिया जाता है, दिस ग्राफ विल बी टेकन एज लीनियर. ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो रिलेशन था आपका पार्ट वन, उसका जो यहाँ पर ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा, and this density will be called the jam density and this speed will be called the free flow speed. अब दूसरा relationship यहाँ पर plot करते हैं, दूसरा relationship plot करना है traffic speed और traffic flow के बारे में. तो traffic speed और traffic flow का अगर आप relation देखें, तो let's take the flow on the y-axis and let's take the speed on the x-axis. तो अगर एक भी vehicle वहाँ पे नहीं था, तो flow कितना था? Flow zero के बराबर था. और स्पीड जो थी वो मैक्सिमम स्पीड थी, और जब जैम लगा है उस टाइम पर भी फ्लो जीरो है, और स्पीड कितनी है, स्पीड भी जीरो के बराबर है. तो बेसिकली इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर आता है, और इस समय पर जो फ्लो होगा वो मैक्सिमम फ्लो कहलाता है, और इस समय पर जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड का हाफ स्पीड होती है, USF द मैक्सिमम फ्री फ्लो स्पीड, उसकी हाफ स्पीड पर मैक्सिमम फ्लो मिलेगा. और साथ ही साथ अगर आप डायग्राम बनाए फ्लो का डेंसिटी के साथ में, अगर डायग्राम बनाए, तो जब जैम लगा होगा उस टाइम पर डेंसिटी मैक्सिमम है, फ्लो जीरो के बराबर है, और जब फ्री फ्लो हो रहा है उस टाइम पर भी फ्लो भी जीरो है और डेंसिटी भी जीरो है, द रिलेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड दिस मैक्सिमम विल कम, द मैक्सिमम फ्लो विल कम एट जैम डेंसिटी डिवाइड बाई टू. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन द फ्लो एंड स्पीड, बिटवीन द डेंसिटी एंड स्पीड, एंड बिटवीन द फ्लो एंड द डेंसिटी. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन. क्वेश्चन नंबर 22, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करने थे. जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ द एग्रीगेट इज इट्स साइज इज मोर देन. ठीक है, अगर एग्रीगेट की साइज किसी वैल्यू से ज्यादा होती है तो वो साइक्लोपियन एग्रीगेट कहलाता है. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 75 mm.
any aggregate which is having the size more than 75 mm is known as the cyclopean aggregate. The value of the property at which the end of the useful life without being dismantled. Dismantle ka matlab kya hai ki aapne usko jo hai useful life ke baad mein bhi ho sakta hai object aur use kiya ja sake, to usko kya kehte hain, usko salvage value kehte hain. Theek hai, do values yahan pe defined hoti hai, ek to salvage value hai aur dusri aati hai scrap value. To scrap value ka kya matlab hai ki jaise aapne kisi cheez ko use kiya, use karne ke baad mein let's suppose ki after 5 years ke baad mein वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, वो एग्जैक्टली फंक्शन कर ही नहीं रहा है, तो आपने क्या किया, आपने उसको जो है बेच दिया और एज ए स्क्रैप के रूप में बेचा, तो वो स्क्रैप वैल्यू कहलाएगा. ठीक है, अगर यूजेबल लाइफ उसकी बची हुई है तो वो सेल्वेज वैल्यू कहलाती है. टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन यदि आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग द कॉन्क्रीट विल बी 150 mm. ठीक है, तो फ्रॉम द कोड, फ्रॉम द आईएस कोड, मैक्सिमम हाइट जहां से आप जो है कंक्रीट पोर कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, वो 150 mm की मैक्सिमम हाइट है. नंबर ऑफ टोटल व्हीकलर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट व्हेन बोथ द क्रॉसिंग रोड्स आर टू लेन एंड टू वे, दिस इज इक्वल टू 24. आपसे पूछा गया है व्हीकलर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट. ठीक है, तो व्हीकलर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो है, अगर दोनों रोड टू वे, ठीक है, टू वे टू लेन रोड है, तो ऐसे केस में जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं वो 24 होते हैं. और अगर पेडेस्ट्रियन भी इंक्लूड करना हो तो पेडेस्ट्रियन के कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट टोटल 8 होते हैं. तो अगर बात की जाए कि टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट अगर पूछता तो आंसर फिर 32 होता. अभी आपसे पूछा टोटल व्हीकलर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने हैं, तो आंसर होगा 24. ठीक है, इसके ई पार्ट में देखें, लेजीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है एवोपोर ट्रांसपीरेशन मेजर करने के लिए. दिस विल बी द आंसर. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. The 5 days BOD of a waste sample is 150 milligram per liter. ठीक है, तो B और D 5 का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए. BOD 5 निकालना है, तो B और D अल्टीमेट मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, बेस E पर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन लग जाएगी 1 माइनस E रेस टू दी पावर माइनस K मल्टीप्लाइड बाय 5. 5 डेज में निकाला है तो आपने 5 यूज कर लिया. BOD 5 की वैल्यूज दे रखी है, दिस इज 150 मिलीग्राम पर लीटर. B और D अल्टीमेट आप यहां पर लिख देंगे, यही वैल्यू आपको निकालनी है, 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस के. के दिया हुआ है, यूनिट का ध्यान रखें, दिस इज 0.2 पर डे, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 5 दिन से. ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको यूज किया. B और D अल्टीमेट अगर यहां से आप सॉल्व करेंगे, द रिजल्ट विल बी 237.2 मिलीग्राम पर लीटर. दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन था. अगर बेस 10 पर दिया जाता तो इक्वेशन होती 1 माइनस 10 रेस टू दी पावर माइनस के डी इंटू, ठीक है, टी. ठीक है, तो टाइम दिया हुआ है 5 डेज का, तो 5 डेज का टाइम आपने यहाँ पर ले लिया. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. एन आइडियल सेटिंग टैंक, सेटलिंग टैंक है, ठीक है, एन आइडियल सेटलिंग टैंक विद द सर्फेस एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर रिसीव्स एन इनफ्लो. इनफ्लो दिया हुआ है 20 mld का. ठीक है, तो यदि यहाँ से आप सर्फेस एरिया, सर्फेस एरिया का मतलब है बी इंटू एल, ठीक है, जो टैंक है उसकी विड्थ मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ करे हुए, तो सरफेस एरिया मिलेगा आपको. तो B इंटू एल दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर के बराबर, और डिस्चार्ज दिया हुआ है 20 mld के बराबर. तो अगर आप डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय BL करते हैं, सरफेस एरिया करते हैं, तो आपको ओवरफ्लो स्पीड मिलती है, और ओवरफ्लो स्पीड कितना आ जाएगा, 20 मिलियन लीटर से यहाँ पर, तो 20 × 10⁶ ये लीटर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये मीटर क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय डे था, तो डे को यदि कन्वर्ट करें तो 24 आवर्स, मल्टीप्लाइड बाय 3600, ये आपका सेकंड हो गया, मल्टीप्लाइड बाय BL, BL है 100 मीटर स्क्वायर, तो यहां से आपको जो है ओवरफ्लो स्पीड मिल जाएगी. ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन द ओवरफ्लो स्पीड इज कमिंग आउट टू बी 0.2315, दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, मीटर पर सेकेंड में इंटू 10⁻²² भी आएगा, कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड में, 0.2315 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ 0.2 mm साइज वुड सेटल डाउन इन द टैंक. तो 0.2 mm का जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो 0.22 है. ठीक है, अगर सेटलिंग वेलोसिटी ओवरफ्लो स्पीड से ज्यादा होती है तो 100% पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, लेकिन यहां पर कम है तो परसेंटेज रिमूवल ऑफ दिस साइज पार्टिकल, ठीक है, द परसेंटेज रिमूवल ऑफ 0.2 mm साइज पार्टिकल विल बी गिवन बाय द सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द ओवरफ्लो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100%. द वैल्यू विल बी गिवन बाय 0.22
2315 multiplied by 100, if you solve this, this is coming out to be 86.4%. Okay, the answer for this question will be 86.4%. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25. The subgrade cell sample was tested using the standard CBR. ठीक है, CBR कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट यूज किया जा रहा है. ठीक है, बोला गया है 55 किलोग्राम का लोड लगता है तो पेनिट्रेशन 2.5 mm है, 75 किलोग्राम का लोड जब लगाया तो पेनिट्रेशन का अमाउंट 5 mm है. अज्यूमिंग द लोड पेनिट्रेशन कर्व इज कॉन्वेक्स थ्रू आउट, फाइंड द CBR वैल्यू इन द परसेंटेज ऑफ द सैंपल. ठीक है, तो CBR जो निकाला जाता है वो इन्हीं दो पेनिट्रेशंस के लिए निकाला जाता है. तो 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए हम CBR की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे. तो CBR की वैल्यू आती है द लोड टेकन बाय द स्पेसिमेन दैट इज गिवन एज 55 किलोग्राम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट जो लोड लेते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट 1370 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100. यानी कि अगर आप टेस्टिंग के दौरान स्टैंडर्ड एग्रीगेट ले तो 2.5 mm के पेनिट्रेशन के लिए जो लोड का अमाउंट वो ले पाते हैं वो है 1370 किलोग्राम. ये आपको फैक्ट याद रखना होता है. और यहाँ से CBR की वैल्यू इफ यू कैलकुलेट दिस इज कमिंग आउट टू बी 4.01%. ठीक है, तो 4.01% तो 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए आया. नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर 5 mm पेनिट्रेशन. तो 5 mm का पेनिट्रेशन अगर कंसिडर करेंगे तो CBR आएगा द लोड विच इज टेकन बाय द गिवन स्पेसिमेन 75 किलोग्राम डिवाइडेड बाय जो स्टैंडर्ड एग्रीगेट ले पाते हैं वो है 2055 किलोग्राम का लोड मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे. तो दिस इज अगेन द फैक्ट कि 5 mm का पेनिट्रेशन करवाने के लिए स्टैंडर्ड एग्रीगेट जो लोड कैरी कर पाते हैं वो 2055 किलोग्राम का होता है. याद रखें दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 3.65%. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज के बाद में फाइनली CBR कैसे रिपोर्ट किया जाता है ध्यान रखें. जनरली 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए जो वैल्यू मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी. ठीक है, तो ज्यादा वैल्यू को रिपोर्ट कर दिया जाता है. अगर 5 mm की कॉरेस्पॉन्डिंग अगर CBR ज्यादा मिले तो टेस्टिंग दोबारा रिपीट की जाती है. अगर दोबारा रिपीट करने पर भी ज्यादा मिले तो जो रिजल्ट आता है उसको आप रिपोर्ट कर देते हैं. तो फॉर दिस क्वेश्चन द CBR टू बी रिपोर्टेड विल बी द हायर वैल्यू दैट इज 4.01%. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4.01%. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. द स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट इज 4.8 मीटर. आपको दिया गया है कि लेंथ जो है वो 4.8 मीटर के बराबर है. ठीक है, आपको दिया गया है फ्रिक्शन दैट इज गिवन इज 1.25. आपको दिया गया है द यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट इज 2500 दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. आपसे पूछा गया है टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन. ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्शन के कारण जो यहाँ पर स्लैब में जब कॉन्ट्रेक्शन आते हैं तो उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होती है वो आपसे पूछी गई है. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं. तो कॉन्क्रीट के इतने पार्ट में जो है स्ट्रेसेस डेवलप होगी. ठीक है, और ये आपने बोल दिया है कि जो आपके पास में लेंथ है, ठीक है, जो आपके पास में विड्थ है उसकी हाफ विड्थ यहाँ पर लगेगा, दिस इज बी बाई टू. ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्सेज आएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्सेज कितने हैं, द फ्रिक्शनल फोर्सेज गिवन बाय म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन और एन हो जाएगा द वेट गामा सी मल्टीप्लाइड बाय बी बाय टू मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द कॉन्क्रीट. और ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं ये किसके बराबर होगा, कॉन्क्रीट में स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया. तो कॉन्क्रीट के स्ट्रेस को सिग्मा यदि आप बोल दें मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा द एरिया विल बी इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाइड बाय एच. ठीक है, एल और एच ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट आपका बच जाएगा द वैल्यू विल बी गिवन बाय. ठीक है, द वैल्यू हियर विल बी गिवन बाय बी आपको गिवन था इस क्वेश्चन के अंदर, द वैल्यू विल बी गिवन बाय द स्ट्रेस सिग्मा विल बी गिवन बाय म्यू. म्यू गिवन इन द क्वेश्चन इज 1.25 मल्टीप्लाइड बाय गामा सी गिवन इज 2500 दिस इज मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. ठीक है, दैट इज गिवन इज 4.8 मीटर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा. ठीक है, तो सिग्मा का जो मैग्नीट्यूड है सारी वैल्यूज आपने रखी है किलोग्राम और मीटर में वर्क किया है तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के अंदर. ठीक है, इफ यू सॉल्व दिस वैल्यू देन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में जो वैल्यू आ रही है आपकी सिग्मा दिस इज कमिंग आउट टू बी 7500 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज
0.75 kilogram per centimeter square. Answer for this question will be 0.75 kilogram per centimeter square. चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 27, इट इज गिवन फ्रॉम सर्विंग लेवलिंग टॉपिक एंड द क्वेश्चन इज फ्लाई लेवल आपको दिया गया है, उसकी रीडिंग्स यहाँ पर मेंशन है. तो सबसे पहली चीज, फ्लाई लेवल को डिफरेंशियल लेवलिंग भी कहते हैं और डिफरेंशियल लेवलिंग के अंदर बैक साइड, फोर साइड, फिर बैक साइड, फिर फोर साइड रीडिंग ली जाती है. कहने का मतलब ये है, एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप से आप बैक साइड रीडिंग लेंगे, फिर फोर साइड रीडिंग लेंगे, ओनली दो रीडिंग्स वहां से ली जाती है, उसका डाटा आपको दे रखा है. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, देखो फ्लाई लेवलिंग के अंदर राइज एंड फॉल मेथड अप्लाई करना जो है वो ज्यादा बेटर रहता है. यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से आपको डाटा दिया गया है. पहले वाले पार्ट में अगर आप बात करें तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपने कहीं पर लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, ठीक है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट आपने बनाया, एक जगह पर रीडिंग आ रही है, आपने स्टाफ रखा, तो स्टाफ की रीडिंग है 3.635, ठीक है, तो बेंचमार्क पर आपने स्टाफ रखा, स्टाफ की रीडिंग है 3.635, और आपने किसी ए पॉइंट पर जब स्टाफ को रखा तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है, ठीक है, दैट इज द फोर साइड रीडिंग 2.375, तो यहाँ की रीडिंग है 2.375, जो स्टाफ ने रीडिंग रिप्रेजेंट की है वो है 2.375. और बेसिकली आपको बताना है कि यहाँ पर आर एल ऑफ ए क्या होगा. तो इस जगह का आर एल मेंशन है, दिस आर एल इज इक्वल टू 100. तो साफ साफ पता चलता है कि अगर आप यहाँ से ए को देखें तो ए की रीडिंग में क्या चेंज आया था, कि ए की रीडिंग बढ़ गई थी, ठीक है, ए की रीडिंग कम हो गई. तो ए की रीडिंग कम होने का मतलब क्या है, डेफिनेटली राइज में गया है. जब राइज में जाता है तो सक्सेसिव स्टेशन की जो रीडिंग है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, और फॉल जाता है तब रीडिंग बढ़ जाती है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितने का है. तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आ जाएगा द आर एल ऑफ ए, ठीक है, द आर एल ऑफ ए विल बी गिवन बाय द आर एल ऑफ द बेंचमार्क स्टेशन प्लस जो भी यहाँ पर राइज हुआ है वो आप ऐड कर देंगे. और राइज किसके बराबर होगा, राइज बराबर होगा 3.635 माइनस 2.375 के बराबर. तो यहाँ से आर एल ऑफ ए आपका कैलकुलेट हो जाएगा. If you calculate this value, this is coming out to be 101.26. 1.26 meter का rise आएगा, वहां से calculate करेंगे and RL of A आपका calculate हो जाएगा 101.26. Now let's move on to the next part of the question. एक तो आपको पूछा था कि RL क्या होगा, ठीक है, A का, और backside reading क्या होगी. तो आपको एक चीज और बतानी है कि यहाँ की backside reading क्या है, ठीक है. तो RL A का आ चुका है, वो है 101.26, ठीक है, 101.26. तो अगर आप बी की रीडिंग देखें तो बी की रीडिंग बड़ी है, तो राइज कितने का है, साफ साफ पता चल रहा है आर एल का जो डिफरेंस है वो राइज के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 104.15 माइनस 101.26, इतना राइज होगा. और अगर आप स्टाफ रीडिंग से देखें तो राइज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ की रीडिंग, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 1.03, इसी चीज के बराबर आप इसको कर देंगे, तो रिजल्ट एक्स का आ जाएगा. The result of x is coming out to be 3.92 meter. ठीक है, तो आंसर आ गया आपके इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, the backside reading of station A will be 3.92 meter. आगे चलते हैं, now we will solve the next question. चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. The gross commanded area of an irrigation project. आपको दिया गया है GCC, gross commanded area is equal to 1 × 10⁵ hectare. इसका क्या मतलब होता है? Gross commanded area जहां तक canal पहुंच रही है उसके अंदर दो तरीके के areas होते हैं. एक तो culturable area होता है और एक आपका non-culturable area होता है, जहां खेती बाड़ी नहीं की जा सकती. ठीक है, जैसे roads हो गए या फिर buildings वगैरह हो गई. तो basically इन सभी area को मिलाकर के जो total area है जहां तक canal पहुंच रही है वो क्या कहला रहा है? Gross commanded area कहला रहा है. ठीक है, तो ग्रॉस कमांडेड एरिया इज गिवन एज 1 × 10⁵ हेक्टर. अब इसमें से कल्चरेबल कमांडेड एरिया कितना है? अगर कल्चरेबल कमांडेड एरिया देखोगे, CCA कल्चरेबल कमांडेड एरिया जो है इसका 75% गिवन है. तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 100 इनटू 1 × 10⁵ हेक्टर, सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 7.5 × 10⁴ हेक्टर के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो कल्चरेबल कमांडेड एरिया आपका आ गया. द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन फॉर द खरीफ एंड रबी, तो खरीफ की फसल के लिए इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन बताया हुआ है. इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन का मतलब यह है कि जितना एरिया जहां खेती बाड़ी हो सकती थी उसमें से कितने एरिया में किसी पार्टिकुलर सीजन में खेती बाड़ी हुई है. तो बेसिकली खरीफ सीजन में 50%
इंटेंसिटी दे रखी है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दे रखी है, इसका मतलब 50% एरिया जो है खरीफ के अंदर आपने वहां पर क्रॉप डेवलप किया है. तो 7.5 × 10⁴, ठीक है, दिस इज 7.5 × 10⁴, इसका कर देंगे 50%. तो 50 / 100 किया, दिस इज इक्वल टू 3.75 × 10⁴ हेक्टर के बराबर. तो खरीफ सीजन में जो एरिया इरिगेट किया गया है वो है 3.75 × 10⁴. आगे देखिए जरा, द ड्यूटीज फॉर द खरीफ एंड रबी आर गिवन. तो ड्यूटी खरीफ की दी गई है 1200 हेक्टर पर क्यूमिक है, यानी कि 1 क्यूमिक की सप्लाई करोगे तो 1200 हेक्टर के अंदर जो है सिंचाई होगी. तो डिस्चार्ज कितना होगा, डिस्चार्ज निकाला जा सकता है, द डिस्चार्ज विल बी इक्वल्स टू द एरिया 3.75 × 10⁴ हेक्टर डिवाइडेड बाय द ड्यूटी गिवन, दैट इज इक्वल टू 1200 हेक्टर पर क्यूमिक. ठीक है, तो आप यूनिट से भी इसको चेक कर सकते हैं, यूनिट आपको जो है मिल जाएगी क्यूमिक की, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, दिस इज 31.25 क्यूमिक, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो डिस्चार्ज जो खरीफ के लिए रिक्वायर्ड होगा वो 31.25 क्यूमिक का है. इसी तरीके की कैलकुलेशन रबी फसल के लिए कर लेते हैं. तो रबी के लिए जो आपके पास में इंटेंसिटी दे रखी है इरिगेशन की, व्हाट इज गिवन एट, दिस इज 55%. तो 55% ले लेंगे, 7.5 × 10⁴ का 55% आपने लिया, तो यहाँ से आपको रबी का जो है टोटल एरिया मिल जाएगा कि रबी में कितने एरिया में सिंचाई हुई है, 4.125 × 10⁴ हेक्टर के बराबर. और जैसे ही आप यहाँ पर इसको ड्यूटी से डिवाइड करेंगे तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा. ये खरीफ के लिए डिस्चार्ज था, रबी के लिए जो डिस्चार्ज होगा वो आपका आ जाएगा 4.125 × 10⁴ हेक्टर डिवाइडेड बाय द ड्यूटी, एंड द ड्यूटी फॉर रबी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1400. तो डिवाइड किया आपने 1400 से, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 29.46 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, तो आपके पास में डिस्चार्ज इतना आ गया. देखो, दो अलग अलग सीजन की फसल है, उसके लिए कैनाल में इतना डिस्चार्ज होना चाहिए. ठीक है, तो 31.25 क्यूमिक अगर आप इसके लिए कैनाल को डिजाइन करते हो तो रबी में ऑटोमेटिकली जो है इतना डिस्चार्ज सफिशियंटली मिल जाएगा. तो बेसिकली यहाँ से जो डिस्चार्ज आपके कैलकुलेट होते हैं उसमें से मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो डिस्चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा वो है 31.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि क्यूमिक के बराबर 31.25. अब बेसिकली आपसे बोला गया है कि जब पानी नहर में छोड़ा जाएगा कैनाल में तो 20% प्रोविजन आपको लेना है, ट्रांसमिशन लॉसेज, ओवरलैप लॉसेज, इवोपरेशन लॉसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखते हैं जरा. इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये आपका फील्ड एरिया हो गया, यहाँ पर ये आपकी कैनाल हो गई. ठीक है, तो कैनाल में यहाँ से आपका जो रिवर से यहाँ से जो पानी छोड़ा गया है, अगर मान लो आप 100 अमाउंट यहाँ पर छोड़ते हो तो खेतों में कितना पहुँचेगा, सिर्फ 80 अमाउंट पहुँचेगा, 20% का लॉस हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, चूंकि स्टेटमेंट लगा सकते हैं आप, अगर 80 आपको रिक्वायर्ड है खेतों में तो आपको 100 अमाउंट छोड़ना पड़ेगा. इसलिए यदि आपको 1 रिक्वायर्ड है तो आपको 100 / 80 अमाउंट छोड़ना पड़ेगा, और टोटल जो रिक्वायर्ड था वो आपने निकाला था 31.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड है. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसलिए अगर 31.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड यदि आपको फील्ड पर रिक्वायर्ड है तो कितना पानी छोड़ा जाएगा, 100 / 80 × 31.25. तो यहाँ से डिस्चार्ज का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 39.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 39.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड. पूछा गया था फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द कैनाल, दिस इज द हेड ऑफ द कैनाल. तो यहाँ पर आपसे डिस्चार्ज पूछा गया था, तो आपको इतना पानी छोड़ना पड़ेगा जब जाकर के रबी एंड खरीफ के लिए पर्याप्त होगा. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29. इफ ए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिजाइन, हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन इज हैविंग द रिस्क ऑफ 10%. तो रिस्क का मतलब क्या होता है कि गिवन टाइम के अंदर कम से कम एक बार जो है वहां पर फ्लड आती है या वो इवेंट जो है अकर करती है. ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन 10% रिस्क इज गिवन, इज एक्सेप्टेबल विद द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 25 ईयर्स, एंड दिया हुआ है 25 साल. वॉट रिटर्न पीरियड इन द ईयर्स विल हैव टू बी एडोप्टेड फॉर दिस डिजाइन
सो वी आर कंसिडरिंग द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी, ठीक है, कि वहां पर ये जो है आपका जो डिजाइन कर रहे हैं उसका रिटर्न पीरियड के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, पी के बराबर है, ठीक है। तो रिस्क कितना होगा, रिस्क हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा वन माइनस पी रेस टू दी पावर एन। तो आप रिस्क यदि यहां पर रखें, दिया गया था 10% है, 10% का मतलब है 10 डिवाइड बाय 100, दिस इज वन माइनस पी रेस टू दी पावर टाइम गिवन इज 25। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो पी आपको मिलेगा, द वैल्यू ऑफ पी इज कमिंग आउट टू बी 4.2 इंटू 10 रेस टू दी पावर माइनस 3, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरिंग ऑफ द इवेंट। तो इस प्रोबेबिलिटी को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न पीरियड, दिस इज इक्वल टू 1/t। तो यहां से आपका टी आ जाएगा 1/t इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10 रेस टू दी पावर माइनस 3, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 237.78 ईयर्स, रफली आप बोल देंगे 238 साल में, ठीक है, 238 साल में कुछ ऐसा होगा। तो व्हाट विल बी द रिटर्न पीरियड, रिटर्न पीरियड ऑफ दिस इवेंट विल बी व्हाट, 238 ईयर्स, आंसर विल बी 238। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है, इफ यू सी द डाटा देन इट इज गिवन दैट द नॉर्मल प्रेसिपिटेशन एट द स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी एंड स्टेशन डी आर गिवन, ठीक है। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है 90 मैग्नीट्यूड का, ठीक है, दिस इज 67 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर एंड 93 सेंटीमीटर फॉर द स्टेशन डी, ठीक है। और बाकी प्रेसिपिटेशन आपको दिया गया है 2018 का, ठीक है। तो 2018 में प्रेसिपिटेशन से ए का प्रेसिपिटेशन है 92, बी का प्रेसिपिटेशन है 72.6 और सी का है 78.9, और ये डाटा आपका, ठीक है, आपको निकालना है, ये मिसिंग डाटा है। तो बेसिकली इस केस में सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो ये देखना पड़ेगा कि नॉर्मल प्रेसिपिटेशन जो है उनमें आप एवरेज निकालें, ठीक है, और एवरेज का वेरिएशन देखें कि एवरेज का जो वेरिएशन है विद द इंडिविजुअल वो 10% के अंदर है या 10% से बाहर चला गया। तो इसका यदि आप एवरेज नॉर्मल प्रेसिपिटेशन निकालें, एवरेज नॉर्मल, ठीक है, द एवरेज नॉर्मल प्रेसिपिटेशन विल बी इक्वल्स टू 90 + 67 + 77 + 93 द होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहां से एवरेज प्रेसिपिटेशन आएगा, एवरेज नॉर्मल प्रेसिपिटेशन दैट इज 81.75 सेंटीमीटर, और 81.75 सेंटीमीटर के अंदर अंदर सारा डाटा आना चाहिए विद इन द 10% लिमिट। तो 10% कम करें तो -10% से वैल्यू चेक करें और +10% से आप वैल्यू चेक करें तो ये आ रही है आपकी 73.575 सेंटीमीटर, और +10% से यदि इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 89.925 सेंटीमीटर। तो पहला चेक आपको यही लगाना पड़ेगा, एवरेज निकालो नॉर्मल का, एवरेज निकालने के बाद में रेंज निकालो -10% से लेकर के +10% के अंदर। अब आप इस डाटा को यदि चेक करें तो 90 सेंटीमीटर का जो प्रेसिपिटेशन है ए के लिए वो आउट ऑफ रेंज आ रहा है, और साथ ही साथ में जैसे दूसरे और भी डाटा आपका हो सकता है कि जा रहा हो, यदि आप चेक करें 67 दिस इज अगेन गोइंग आउट ऑफ द रेंज, ठीक है, 97 दिस इज अगेन गोइंग आउट ऑफ द रेंज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट एवरेज नहीं ले सकते। तो लेट्स यूज द नॉर्मल रेशियो मेथड फॉर द गिवन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो नॉर्मल रेशियो मेथड क्या कहता है, द प्रेसिपिटेशन एट द स्टेशन डी डिवाइडेड बाय द नॉर्मल प्रेसिपिटेशन इज गिवन बाय पी ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय एन बी प्लस पी सी डिवाइडेड बाय एन सी होल डिवाइडेड बाय 3। तो अभी भी आपने एवरेज ही लिया लेने को, तो लेकिन क्या है, एवरेज आपने डायरेक्ट नहीं लिया, विद रेशियो ऑफ द नॉर्मल लिया। तो पी डी यदि यहां से आप चेक करेंगे तो पी डी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एन डी उधर जाए, ठीक है, तो एन डी उधर जाएगा, तो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन 93 था, ठीक है, डी का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन 93 है डिवाइडेड बाय 3, और अंदर जो आपके पास में डाटा गिवन है वो डाटा आप यहां पर एंटर कर दें, द डाटा गिवन इज व्हाट, ठीक है, 92 डिवाइडेड बाय द नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ ए प्लस 72.6 डिवाइडेड बाय 67 प्लस 78.9 डिवाइडेड बाय 77, ठीक है। तो आप यहां से पी डी निकाल पाएंगे, द प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन डी दिस इज कमिंग आउट टू बी 97.04 सेंटीमीटर। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 97.04।
अगर आपने रेंज निकाली और रेंज निकालने के बाद में नॉर्मल प्रेसिपिटेशन सारी वैल्यूज यदि आपको विद इन दिस रेंज मिल जाए तो इसका मतलब है कि आप एवरेज डायरेक्ट एवरेज निकाल देंगे, अरिथमेटिक एवरेज, आपको कोई नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द टेबल गिवन बिलो विच शोज द मास कर्व डाटा फॉर द रेनफॉल स्टॉर्म। ठीक है, तो रेनफॉल स्टॉर्म के लिए आपको मास फ्लो डाटा दिया गया है। ठीक है, क्या डाटा है आपसे पूछा गया है? देखो पहले तो डाटा समझ लो, जीरो टाइम पर टोटल जो रेनफॉल था वो जीरो था, छह यूनिट के टाइम के बाद में जो टोटल रेनफॉल है वो 18 मैग्नीट्यूड का मिल गया, तो ये ऐड होता जा रहा है। साफ साफ देखो जरा, 24 घंटे के बाद में जो टोटल एक्यूमुलेटेड रेनफॉल था वो 60 था, उसके बाद में डाटा ऐड नहीं हो रहा है, इसका मतलब बारिश रुक चुकी है। ठीक है, इसका मतलब है बारिश रुक चुकी है, तो टोटल कितने टाइम तक बारिश चली? 24 घंटे तक चली। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म इन आवर्स, तो आंसर हो जाएगा 24 आवर्स। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डेप्थ ऑफ द स्टॉर्म इन एमएम, तो 24 घंटे जो बारिश चली है उसमें टोटल कितना जो है यहाँ पर रेनफॉल हुआ है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60 mm के बराबर रेनफॉल हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑब्जर्वेशन से आपने दे दिया। उसके बाद देखिए जरा, आपसे पूछा गया मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल mm पर आर में बताना है कि मैक्सिमम रेनफॉल इंटेंसिटी कितना है 6 घंटे की ड्यूरेशन के लिए। तो ये सारे के सारे गैप आपको 6 घंटे में दे रखे हैं, तो आप डिफरेंस देख लो, जहां पर मैक्सिमम डिफरेंस मिले वहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी रही होगी। ठीक है, तो पार्ट सी के लिए यदि आप देखेंगे तो आपको इसी रेंज पर, आप स्कैन करके देखें, इसको चेक करें, ठीक है, ऑब्जर्वेशन लें, तो ऑब्जर्वेशन से आपको मैक्सिमम मिल रहा है 42-18, और पर आर में आपसे पूछा है तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे, तो यहां से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। दिस मैग्नीट्यूड इज कमिंग आउट टू बी 4 mm पर आर। ठीक है, तो सी पार्ट का जो आंसर है वो 4 mm पर आर है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे के लिए। तो अब आपको 6 घंटे का इंटरवल नहीं लेना है, आपको 12 घंटे का इंटरवल लेना है। तो अगर आप 12 घंटे का इंटरवल लें 6 से 18, ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं 0 से लेकर के शुरुआत के 12 घंटे के लिए, तो आपको मैक्सिमम डिफरेंस यही नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर डी पार्ट के लिए जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो 42-0 डिवाइड बाई 12 करने से आएगी। ऊपर एमएम में है, नीचे टाइम आर्स में है, तो एमएम पर आर में 12 घंटे की मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी 3.5 mm पर आर। ठीक है, तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन था ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, जो डाटा आपको दिया गया था सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना था। क्वेश्चन नंबर नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32, ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू एन आइसोलेटेड स्टॉर्म वॉज ट्राइंगुलर इन शेप विद द बेस ऑफ 60 आर्स। तो आपको यहाँ पर DRS दिया गया है, ठीक है, दिस इज ट्राइंगुलर इन शेप है, और जिसका बेस जो है वो 60 घंटे का है। तो दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन ऑफ DRS, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ गिवन है, और इसकी पीक बताई हुई है, द पीक इज 100 m³/s। इफ द कैचमेंट एरिया इज 500 km² कैचमेंट एरिया दे रखा है, आपको इफेक्टिव रेनफॉल बतानी है। तो बेसिकली जब आप DRS का एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, इफ़ यू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व फॉर दिस DRH, देन दिस रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेस रेनफॉल वॉल्यूम, टोटल एक्सेस रेनफॉल वॉल्यूम ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लें, एरिया आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, आपको आंसर देना है, ठीक है, m³/s में यहाँ पर दिया गया था टाइम, तो आप यहाँ पर 60 आवर्स को जो कि बेस है इस ट्राइंगल का उसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ट्रायंगल का एरिया मिल गया, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये वॉल्यूम को आप एरिया से डिवाइड कर दें, कैचमेंट एरिया से डिवाइड कर दें, तो आपको डेप्थ की टर्म्स में इफेक्टिव रेनफॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो डेप्थ की टर्म्स में इफेक्टिव रेनफॉल निकालना है, तो दिस इज 500 × 10⁶, दिस इज m², और ये आया था आपका m³ में, तो मीटर में आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू 2.16 × 10⁻²⁻¹ m। ठीक है, सेंटीमीटर में बोल देंगे 2.16 cm। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2.16।